जय जिनेंद्र दोस्तों, वर्धमान जेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आऊँ 35 केवी का किर्लोस्कर का साइलेंट जेनसेट, जो कि बहुत ही शानदार बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। अभी मैं आपको 100% लोड डाल के दिखाने वाला हूँ और इसकी साउंड भी चेक कराने वाला दोस्तों। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। ये जनरेटर बरनाला पंजाब के लिए तैयार हुआ दोस्तों, माता सोलाख के लिए जी आश्रम के लिए। बहुत ही शानदार बहुत ही धमाकेदार जनरेटर दोस्तों, जेनुअन सेट है, जेनुअन कंपनी फिटेड सेट है, जिसको पूरा डेंट पेंट करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन हम लोगों को रेडी कर दिया। खुद देख के कह सकता है दोस्तों जेनसेट पुराना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है दोस्तों, जिसके अंदर एक आर मीटर है, एक फ्यूल मीटर है जो डीजल बताएगा आपको, ये ऑयल प्रेशर मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, ये चाबी स्विच है जिससे जनरेटर स्टार्ट होगा दोस्तों, ये डीसी इंडिकेटर, एसी इंडिकेटर और पुश बटन स्टॉप है दोस्तों। बहुत ही शानदार पैनल है दोस्तों, ये जेनुअन पैनल है जिसको हम लोगों ने रिकंडीशन किया है और पूरा जेनसेट भी पूरा जेनुअन दोस्तों। इसका इमरजेंसी स्टॉप है जो भारतीय जनरेटर बंद कर सकते हैं आप। इसके अंदर किर्लोस्कर का HA494 इंजन लगा हुआ है, 4 सिलेंडर का दोस्तों। बहुत ही शानदार इंजन होता है दोस्तों, ये एयर कूल्ड इंजन है, ना पानी का इंजन ना रेडिएटर का टेंशन दोस्तों। ब्रांड न्यू इसमें हम लोगों ने स्टॉपर लगाया है, हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक के पाइप लगाए हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये इसका डीजल डालने का दोस्तों, बाहर से ही आप डीजल भी डाल सकते हैं। कैनोपी के नीचे इसकी टंकी होती है, ये जेनुअन कैनोपी है दोस्तों, पूरा जेनुअन सेट है जिसको पूरा रिकंडीशन किया है। यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो गर्म हवा बाहर निकालता है दोस्तों। साइलेंसर भी इसका अंदर ही होता है, थोड़ा छोटा सा एक्सटेंशन पाइप आप आगे लगा सकते हैं। चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ, पूरी कैनोपी को डेंट पेंट करके बिल्कुल ब्रांड न्यू बना दिया है। सारा सामान इसमें 100% नया लगा हुआ, फैनर की बेल्ट लगी हुई है, ब्रांड न्यू एयर फिल्टर लगाया हम लोगों ने इसके अंदर, ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है दोस्तों जो गर्म हवा बाहर निकालता है। हैवी ड्यूटी बैटरी की लीड लगी हुई है, हैवी ड्यूटी वायरिंग लगी हुई है, फ्यूज़ के साथ में इसका बैटरी स्टैंड है या बैटरी रखी हुई है दोस्तों। और इसमें फुल कॉपर वाइंडिंग का एवीआर वाला 35 केवी का ऑल्टरनेट लगा हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार ऑल्टरनेट होता है, बिल्कुल भी वोल्टेज वगैरह की फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी आपको इसमें। पूरी कैनोपी के अंदर देख सकते हैं, पूरी फॉर्म 100% ब्रांड न्यू लगी हुई है, कोई देख के कह ही सकता दोस्तों जेनसेट पुराना है। सारी डोर गैसकेट वगैरह भी सारी नई लगी हुई है, 100% सारे नट बोल्ट हम लोग नए लगाते हैं, कोई भी पुराना नहीं लगाया जाता। पूरी कैनोपी को डेंट पेंट करके पूरा शोरूम कंडीशन में रेडी कर दिया, लॉक वगैरह भी सारे आपको नए मिलेंगे, सबके साथ में चाबी मिलेगी दोस्तों आपको। इसका प्राइस जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9899707888 और 9810325300 नंबर पे। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक का है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ चेक कराते हैं, लोड डाल के दिखाते हैं आपको। अरे हाथ सेल में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप, एसी इंडिकेटर जल चुका है, सारे मीटर में लाइट भी जल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा आपको किसी भी टाइप की। इधर से भी आप देख सकते हैं इंजन की परफॉर्मेंस, बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है दोस्तों, देख के लगी रहा होगा जनरेटर चल भी रहा है, जीरो वाइब्रेशन होती है इन सेटों के अंदर। जेनुअन सेट है दोस्तों, कंपनी के ओरिजिनल, पूरा रिकंडीशन करके ब्रांड न्यू कंडीशन में हम लोगों ने बना दिया है इसको। और आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं इसकी, कोई धुआं नहीं, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इधर से भी मैं दिखा देता हूँ आपको इंजन की परफॉर्मेंस, ये देख सकते हैं आप, इसका साइलेंसर का साइड है दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो गया है जो गर्म हवा को बाहर निकालता है। बिल्कुल सुपर साइलेंट जेनसेट ये बन चुका है दोस्तों। चलिए पैनल पे चलते हैं और आपको 100% लोड डाल के दिखाते हैं दोस्तों। जिसको 51.5 के आसपास फ्रिक्वेंसी सेट की हमने, धीरे धीरे लोड डाल रहे हैं इस पर। ये हीटर का ब्रेक लोड है दोस्तों लाइट पे, और 5-7 MPH फालतू ही लेके जाता है। पूरा इंजन का फुल ओवरऑलिंग का काम किया हुआ हम लोग, चारों लाइनर चारों पिस्टन सारे ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, मेन सीआर वगैरह सब नए लगे हैं, पंप भी माइको से कराया हुआ दोस्तों इसका, देख सकते हैं 50 MPH के आसपास लोड आ चुका है। 51.5 के 50 के आसपास फ्रिक्वेंसी मेंटेन है, 70 MPH 72 MPH, और बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा दोस्तों, देख सकते हैं 88 90 MPH 98 MPH, पूरा 100 MPH लोड सिस्टम चल रहा है और 49.5 फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल शेर की तरह इंजन डाल रहा है दोस्तों। इसको कहते हैं क्वालिटी, इसको कहते हैं काम। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे धमाकेदार वीडियो आगे भी आने वाले हैं हमारे दोस्तों। चलिए अब जनरेटर में चल के आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं दोस्तों, किस टाइप का परफॉर्मेंस आ रहा है जनरेटर में। 100% के आसपास लोड चल रहा है, क्वालिटी आपके सामने दोस्तों, देख सकते हैं आप, बिल्कुल धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों। 100 MPH हीटर लोड पर स्टेबल जनरेटर चल रहा है और आपके सामने क्वालिटी है दोस्तों, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है। आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों 100% लोड पे। कोई फालतू नॉइज नहीं मिलेगा आपको दोस्तों,
मैं बिल्कुल सट के खड़ा हूँ जनरेटर के, तब ये आवाज़ आ रही है। आप थोड़ा दूर जाएंगे तो पता भी चलेगा जनरेटर चल भी रहा है। बहुत ही बेहतरीन जनरेटर दोस्तों, किर्लोस्कर का HA494 इंजन है, परनाला पंजाब के लिए रेडी हुआ है, माँ सुलाखनी जी आश्रम में लगने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं परफॉर्मेंस 100% रोड पर इस टाइम इंजन चल रहा है, और देख के लगी रहा हो जनरेटर चल भी रहा है दोस्तों। इसको कहते हैं क्वालिटी, देख सकते हैं पूरा ब्रांड न्यू जनरेटर ये बन चुका है, ना कोई रेडिएटर की टेंशन ना कोई पानी का झंझट दोस्तों। बहुत ही बढ़िया जनरेटर है दोस्तों ये, 100% लोड पे 4 लीटर के आसपास डीजल खाता है दोस्तों ये। बिल्कुल सुपर साइलेंट बन चुका है जेनसेट। अब लोड हटा दिया गया दोस्तों, लोड हटा के इसे बंद करेंगे, बटन को दबाएंगे जनरेटर ये बंद हो जाएगा, और डीसी इंडिकेटर जल गया, जनरेटर बंद हो गया, ऑफ कर देंगे। अब डिलीवरी के बिल्कुल तैयार है दोस्तों, इसे अच्छी तरह पैक करके बरनाला के लिए रवाना करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।